हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आने का। मैं आपका दोस्त संजय पासी और आप देख रहे हैं लूप टेक्नो सिस्टम। और मैं आपका दोस्त मिथिलेश विश्वकर्मा। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम जो है दो मशीनों का कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा मशीन कितने फिट तक सर्च करता है। तो आज हम फाइनली आपके सामने लेकर के आए हैं जिसका नाम है माइलेब कंपनी का 440 मॉडल है और नोक्टा कंपनी का सिंप्लेक्स प्लस मेटल डिटेक्टर। तो आज हम आपको लाइव डेमो दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मशीन कितने फीट तक सर्च करती है। दोस्तों देख रहे हो सिंप्लेक्स प्लस का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अभी और हम ग्राउंड पर हैं। आज आपको लाइव डेमो दिखाएंगे मशीन कितना काम करती है। तो अभी हम एक बार इसका सिंप्लेक्स का सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद में आप देखेंगे। हमने यहाँ पर आप देख सकते हो इस साइड में कुछ डेमो के लिए बना रखे हैं। ये एक फीट का है और ये लगभग दो से ढाई फीट का है और ये 4.5 फीट का बना रखा है। तो हम आज देखने वाले हैं कि ये मशीन में कितना काम करती है। वैसे तो हम ऑफिस में ही दिखाते रहते हैं लेकिन आज हम ग्राउंड पे आए हैं। बहुत सारे कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया हमारे कि एक बार ग्राउंड पे चलते हैं। तो आज हम दिखाएंगे कि ये एक्चुअल में काम कितना करती है सामने से मेटल पर। दोस्तों अभी सिंप्लेक्स हमने ओपन कर लिया है, सेटअप बना लिया उसका और अभी ये बैंकिस 440 आपके सामने हम चेक कर रहे हैं। हम दोनों मशीनों का टेस्ट करने वाले हैं आपके सामने आज इस प्लेस पर। वीडियो में आप बने रहिएगा और आपको लाइव आज डेमो दिखाएंगे ग्राउंड पर। आप देख सकते हैं सारी मशीनें सेट हो गई हैं और अभी नोक्टा सिंप्लेक्स प्लस का हम डेमो करने जा रहे हैं लाइव। वन बाय वन आपको दिखाएंगे हम। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास सिंप्लेक्स प्लस मेटल डिटेक्टर है। ये मैंने मशीन को ऑन कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर, देखिए अभी मैंने कोई मेटल्स लगाया नहीं है, ठीक है। ये एक फीट का हमने बना रखा है, यहाँ पर एक फीट रेंज है इसकी और यहाँ पर हम टेस्ट करने चल रहे हैं। अभी देख रहे हो कोई साउंड यहाँ नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर एक ये आप देख रहे हो आयरन है, एक छोटा सा बहुत छोटा आयरन है, हम इसे लगाते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो आपको प्रॉपर साउंड भी सुनाई दे रहा है। एक फीट तक इतने छोटे मेटल को कैच कर रहा है, ये 100 ग्राम का बाट है। यहीं पर हम नॉन फेरस मेटल एक लगाते हैं। देखिए प्रॉपर सिग्नल आ रहा है। तो अब हम चलते हैं एक छोटे बड़े गड्ढे में। अभी तक आप एक फुट का देख रहे थे, लगभग 2.5 फीट के गड्ढे का हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी हम इतना बड़ा मेटल लगा देख रहे हैं। ये पीतल की एक प्लेट है और इसे प्रॉपर तरीके से कैच कर रहा है, आप देख सकते हैं। मैं इसे एक बार हटाते हूँ, देखिए आवाज चेंज हो गई लेकिन जो मेटल का साउंड है वो आपको प्रॉपर आएगा। ये देखिए प्रॉपर आ रहा है। तो ये 2.5 फीट का गड्ढा है और ये लगभग 3.5 फीट का गड्ढा है। तो मैं आपको इसमें भी एक बार ये प्लेट टेस्ट करता हूँ, ये कैच करती है कि नहीं। ये प्लेट कैच नहीं कर रही है क्योंकि इसका डायमेंशन छोटा है। तो उसके लिए हम एक बड़ी स्टील प्लेट है, हम इसे लगाते हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपर साउंड आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसे मैं हटा देता हूं तो साउंड बंद हो जाता है। फिर से लगाइए, ये देखो 3.5 फीट तक ये प्रॉपर तरीके से नोक्टा सिंप्लेक्स प्लस है प्रॉपर तरीके से कैच कर रही है। सिंप्लेक्स प्लस मेटल डिटेक्टर है। अभी मैं यूज कर रहा था मशीन को जो है हाउस वाले मोड पर, ठीक है दोस्तों। आप हाउस वाले मोड पे, फील्ड वाले मोड पे, जिस मोड पे चाहे उस मोड पे आप यूज कर सकते हैं। अगर आप नदी किनारे यूज कर रहे हैं तो बीच हंटिंग पे आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा 3.5 फीट तक ये मशीन काम कर रही है। हमारे पास एक गड्ढा है लगभग 4.5 फीट का, ये देख रहे हो। हमें एक बार ट्राई करने जा रहे हैं कि ये मशीन 4.5 फीट तक जाती है कि नहीं जाती है इस मेटल पर। तो हमने लगा दिया है, देखो ये मशीन 4.5 फीट तक नहीं बता रही है इस मेटल पर। तो दोस्तों आपने देखा कि जहां तक 3.5 फीट तक इसका प्रॉपर सिग्नल है
और ये थोड़ा नया मेटल है। अगर यही चीज कंडक्टेड होता, जमीन से अटैच होता, साल दो साल पाँच साल पुराना होता तो शायद ये 5 फीट तक मैक्सिमम डिटेक्ट कर लेती, लेकिन अभी फिलहाल ये 3.5 फीट तक कर रही है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दूसरी मशीन हमारे पास माइल लैब की बैंकिस 440 है, हम आपको साथ में डेमो दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो है अब मेरे पास है माइल लैब कंपनी का है 440 मॉडल है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं बैंकिस 440। ठीक है, मैं जो है मशीन को ऑन करता हूँ और हम इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं ग्राउंड पर, इसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है दोस्तों, मशीन ऑन हो गया है। अभी क्या है कि मैं देखिए यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ, अभी साउंड नहीं आ रहा है। अब हम मेटल लगाते हैं, यहाँ पर हम एक पहले सबसे पहले क्वाइन टेस्ट करते हैं कि 1 फीट तक क्या क्वाइन टेस्ट हो सकता है कि नहीं। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर साउंड नहीं आ रहा है, 1 फीट का गड्ढा है ये, हम इसे लगा रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हो एक क्वाइन का ये प्रॉपर सिग्नल नहीं आ रहा है 1 फीट पर, तो हम थोड़ा सा बड़ा ये लगाते हैं, थोड़ा सा उसके डायमेंशन में बड़ा है, इसे देख रहे हैं। इसका भी सिग्नल आ रहा है लेकिन प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम एक बार दूसरा इससे हल्का सा बड़ा मेटल लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम थोड़ा सा बड़ा मेटल किए, यहाँ पर साउंड प्रॉपर तरीके से आ रहा है अभी। ठीक है दोस्तों, तो 1 फीट का गड्ढा है और ये मशीन भी बहुत ज़्यादा डीप की नहीं है, तो मैं आपका तो दिखा देता हूँ ये कितना मैक्सिमम जा सकती है। तो हम थोड़े से बड़े मेटल पे जाते हैं, ये 2.5 फीट का गड्ढा है और इसे हम चेक करते हैं। देख रहे हैं दोस्तों साउंड आ रहा है, इसे हम हटा देते हैं, साउंड अभी बंद हो गया और दोबारा से आप देख सकते हैं साउंड प्रॉपर आ रहा है। अब हम 3.5 फीट का जो हमारा एक होल है उसमें हम दूसरा मेटल बड़ा साइज का डालते हैं, कॉइल भी दिखाते हैं। अभी देखिए साउंड नहीं आ रहा है, हम ट्राई करते हैं। तो दोस्तों ये मशीन की जो मैक्सिमम डेप्थ है लगभग 2.5 से 3 फीट ही है, ये प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा है। 3.5 फीट पे हम मेटल लगा रखे हैं लेकिन वहाँ पर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, और अभी आपने सिंप्लेक्स देखा वो प्रॉपर यहाँ पर भी काम कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने सेंसिटिविटी को फुल कर रखा हूँ, उधर सेंसिटिविटी फुल है। ठीक है, ये माइल लैब का बैंकिस 440 है मॉडल। तो अभी आपने देखा कि 3.5 फीट तक जो है ये बैंकिस 440 वर्क सही से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं इसका जो कॉइल है ये 10 इंची का कॉइल है और जो सिंप्लेक्स प्लस है उसका 11 इंची कॉइल, यानी कि 11 इंची कॉइल है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा कैच कर रहा है। तो देखा दोस्तों फाइनली जो है मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया, तो अगर आप जो है सिंप्लेक्स प्लस मेटल डिटेक्टर लेते हैं दोस्तों तो इसमें खास बात तो ये है कि ये फुल वाटरप्रूफ मशीन होता है। ठीक है, और जो है दोस्तों जो है इसमें बिल्कुल इजी टू यूज मशीन होता है, और ये इसमें 11 इंची कॉइल है तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये ज्यादा डेप्थ देती है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप जो है माइल लैब का बैंकिस 440 लेते हैं तो इसमें 10 इंची कॉइल है और इसमें आपने देखा क्या डेप्थ है। ठीक है दोस्तों, मशीन दोनों सही है, दोनों बढ़िया कंपनी का है, ब्रांडेड कंपनियां हैं माइल लैब और नोक्टा माइक्रो, वर्ल्ड में नंबर 1 की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मशीन अच्छा लगा, आप जरूर जो है मुझे कमेंट में करिएगा। अगर आप मशीन परचेज करना चाहते हैं, चाहे सिंप्लेक्स प्लस या कोई भी मेटल डिटेक्टर आपको परचेज करना हो दोस्तों, तो जो है मेरे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलता हूं दोस्तों, इसी तरह के नए नए वीडियोस आपके सामने लाता रहता हूं, तो अगर आप जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलता हूं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।